गर्मी की वजह से हमारी एनर्जी काफी लो होती है, धूप लग जाती है, पेट भी बहुत ही जल्दी खराब होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स में रिलीफ पाने के लिए मैं आज आपके साथ एक ऐसी हेल्दी ड्रिंक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे पीने से आपको इन सारी प्रॉब्लम्स में रिलीफ मिलेगा। तो आज हम बना रहे हैं बेंट लेमनेट का कॉन्सेंट्रेट, और ये कॉन्सेंट्रेट आपने एक बार बनाकर रख दिया तो आप इसे पूरी समर एंजॉय कर सकते हैं। बस जब आपको मन किया फ्रिज में से निकाला, 2 टेबलस्पून कॉन्सेंट्रेट के डाले, पानी डालकर और पी लिया, ये बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनकर तैयार हो जाएगा। तो रेसिपी शुरू करने के पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे सारे नए वीडियोस और DIYs आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मिंट लेमनेट बनाने का हमारा सबसे पहला इंग्रेडिएंट है मिश्री, इसे रॉक शुगर भी कहा जाता है। ये रॉक शुगर शुगर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हेल्दी होती है। इस रॉक शुगर में कूलिंग प्रॉपर्टीज होती है, और जिनको हीमोग्लोबिन की कमी होती है डॉक्टर उनको ये मिश्री खाने की सलाह देते हैं, इससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है। तो सबसे पहली स्टेप में हमें इस रॉक शुगर को क्रश करना होगा। इसे क्रश करने के लिए आप कोई भी नैपकिन ले लें और उसमें ये इसका एक एक पीस डालकर और आप तोड़ लें। इस तरीके से ये बहुत ही आसानी से क्रश हो जाती है। तो सारी मिश्री को मैंने रफली क्रश कर लिया है और आप देख सकते हैं इसमें काफी सारे बड़े बड़े पीसेस भी हैं, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हम एट लास्ट इसे मेल्ट ही करने वाले हैं। तो अब मिश्री को करते हैं साइड। और हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है मिंट। जैसे मैंने आपको बताया कि हम आज मिंट लेमनेट बना रहे हैं तो हमें मिंट की तो जरूरत पड़ेगी ही। और ये जो मिश्री थी ये 3 कप भर की थी, मतलब 750 ग्राम्स ये मिश्री है 3 कप भर के। तो 3 कप अगर हम मिश्री ले रहे हैं तो हमें 1 कप पुदीना लेना होगा। पुदीने में भी कूलिंग प्रॉपर्टीज रहती है, ये आपके डाइजेशन को अच्छा करता है, आपके गट को क्लीन रखता है, इवन अगर आपको कफ कोल्ड हो रहा है तो ये सर्दी खांसी से भी बचाने में हेल्प करता है। ओवरऑल जो पुदीना होता है ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। पुदीने को मैंने बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया है। अब एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में हम ये सारा पुदीना शिफ्ट कर लेंगे। पुदीने के ऊपर हम डाल देंगे 1 छोटा टुकड़ा अदरक का। अदरक के ऊपर हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून सौंफ। सौंफ में भी कूलिंग प्रॉपर्टीज होती है। आज इस ड्रिंक में हम जितने भी इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं इससे आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। आप इसको पूरी समर एंजॉय कर सकते हैं, ये ड्रिंक खराब भी नहीं होगा। 1/4 टेबलस्पून ब्लैक सॉल्ट, और मैं इसमें 2 टेबलस्पून जलजीरा पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपके पास जलजीरा पाउडर नहीं है तो आप चाट मसाला और थोड़ा सा रोस्टेड जीरा पाउडर डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो 2 टेबलस्पून भर के हमें जलजीरा डालना है। इसमें हम डालेंगे कुछ आइस क्यूब्स ताकि हमारे जो मिंट का कलर है वो ग्रीन ही मेंटेन रहे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका एक पेस्ट तैयार कर देंगे, जैसे हम बिल्कुल चटनी बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। हमारे मिंट का पेस्ट भी बिल्कुल तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं कितना ग्रीन और फ्रेश लग रहा है। अब हम इसे करते हैं साइड। नेक्स्ट स्टेप में हम चढ़ाएंगे गैस पर एक पैन, और उस पैन में ये जो हमने मिश्री निकाल कर रखी है, मतलब 3 कप भर के, और ग्राम्स में मैं बताऊं आपको तो ये 750 ग्राम्स है। हमने जो 3 कप मिश्री लिए हम उसके ऊपर डालेंगे 2 कप भर के पानी, और ये 500 ml पानी डाल रहे हैं हम। गैस का फ्लेम हाई करने के बाद हम मिश्री को तब तक पकाएंगे जब तक ये हमारी मिश्री पूरी तरीके से पानी में डिजोल्व नहीं हो जाती, मतलब घुल नहीं जाती है। आप देख सकते हैं मिश्री ने घुलना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन हमें इस सिरप को और पकाना होगा जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा न हो जाए। आपको इसकी कोई चाशनी बनाने की टेंशन नहीं लेनी है, हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है, हमें सिर्फ ये सिरप गाढ़ा करना है। तो हाई फ्लेम पर ही हम इसे और 4 से 5 मिनट तक कंटिन्यू पकाएंगे। आप देख सकते हैं हमारी मिश्री पानी में बहुत ही अच्छे से घुल चुकी है। तो इस स्टेज पर ये जो हमने पेस्ट बनाकर रखा था पुदीने का वो हम डाल देंगे, लेकिन उसे हमें छान कर डालना होगा। तो आप एक जूसर की छन्नी से इसे छान लीजिए ताकि इसमें जितने भी रेशे हैं वो सारे निकल जाएं। और हमने इसमें सौंफ भी डाली है, तो सौंफ का भी फाइबर अगर मुंह में आएगा तो पीने में मजा नहीं आएगा, इसीलिए आप ये जो पुदीने की चटनी है ना उसे अच्छे से छान कर ही लें। अब ये जो फाइबर बचा है हमें इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है तो इसे डिस्कार्ड कर देते हैं। मतलब हमें कोई चाशनी नहीं बनानी, उसकी टेंशन तो हमें बिल्कुल नहीं लेनी है। बस हमें इसे हाई फ्लेम पर ही 4 से 5 मिनट तक चलाते हुए पकाना होगा जब तक ये जो हमारा सिरप है ना वो अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता।
और अगर आपका मिक्सचर पकाते टाइम काफी ऊपर तक आ रहा है तो बीच बीच में आप गैस का फ्लेम लो कर दें। जो आज मैं आपके साथ मिंट और लेमन का कॉन्सेंट्रेट शेयर कर रही हूँ, इसे आप अगर एक बार बनाकर और फ्रिज में रखेंगे तो ये पूरे 6 से 7 महीने तक खराब नहीं होगा। और समर सीजन में जब आप ऑफिस से थके हुए आए या बाहर से धूप में से आ रहे, बस कॉन्सेंट्रेट को पानी में डाला और आपका बहुत ही टेस्टी और रिफ्रेशिंग ड्रिंक तैयार हो जाएगा। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि मैंने आपको जितने मेजरमेंट्स बताए हैं, आपको एग्जैक्ट वही मेजरमेंट लेकर ये ड्रिंक बनाना है, आपका ड्रिंक परफेक्ट बनेगा। 4 से 5 मिनट पकाने के बाद ये जो हमारा सिरप है काफी गाढ़ा हो चुका है, तो इस स्टेज पर हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। आप चाहे तो इस सिरप को चेक भी कर सकते हैं, या आपको अगर इसे चिपचिपा लगने लगे और थोड़ा ऑयल की जैसे फील हो, इसका मतलब आपका सिरप तैयार है। और वैसे भी हम जब इसको ठंडा करेंगे तो ये थोड़ा और गाढ़ा होकर तैयार हो जाएगा। और लास्ट में हम इस सिरप में डालेंगे 1 टेबलस्पून व्हाइट विनेगर। व्हाइट विनेगर प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी और सिर्फ 1 टेबलस्पून डालने से इसमें कोई टेस्ट भी नहीं आएगा विनेगर का। हमारे मिंट लेमनेड का सिरप तैयार हो चुका है, लेकिन हमें इसमें कुछ और चीजें ऐड करनी है, लेकिन हम पहले इसे बहुत ही अच्छे से ठंडा करेंगे और फिर ही आगे की स्टेप्स करेंगे। हमारा मिंट शुगर सिरप भी ठंडा हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट लेमन जूस। और ये 1 कप भर के लेमन जूस है, मतलब हमने 3 कप भर के मिश्री ली थी, उसके ऊपर हमें 1 कप भर के लेमन जूस डालना है। ये मेजरमेंट एकदम परफेक्ट है, आप इसी मेजरमेंट से ये कॉन्सेंट्रेट तैयार कीजिएगा, आपका लेमनेड बहुत ही टेस्टी एकदम परफेक्ट बनेगा। तो बस अब हम इसमें ये लेमन जूस सारा डाल देंगे, इसे बस हम एक स्टर दे देंगे। अब बस लास्ट में हमने ये जो कॉन्सेंट्रेट तैयार किया है उसे एक बार फिर से छान लेंगे। हमने इसमें लेमन ऐड किया, अगर लेमन के इसमें कुछ रेशे होंगे तो वो भी निकल जाएंगे। तो लीजिए, हमारा मिंट लेमनेड का बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेंट्रेट है तैयार। इसे स्टोर करने के लिए आप एक कांच का जग ले लें या कोई भी कांच की बॉटल लेकर उसमें आप स्टोर कर सकते हैं। और इसकी शेल्फ लाइफ पूरी 6 से 8 महीने तक की है। आप इसे फ्रिज में जरूर रखिए और पूरी समर आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। और मैं आपको बताती हूँ आपको इस ड्रिंक को बनाना कैसे है। और इस हेल्दी और रिफ्रेशिंग ड्रिंक को सर्व करने के लिए हमें ग्लासेस चाहिए, और ये सारे ग्लासेस की एजेस पर हमें थोड़ा सा लेमन लगाना है। आप अपने गेस्ट को ये ड्रिंक बिल्कुल मेरी तरीके से ही सर्व करके दीजिएगा, आपके गेस्ट को बहुत ही अच्छा लगेगा। टेस्ट के साथ साथ प्रेजेंटेशन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1 प्लेट में मैंने 1 टेबलस्पून जलजीरा पाउडर निकाल कर रखा है, तो और इसी तरीके से हम सारे ग्लासेस की एजेस पर हल्का सा लेमन लगाकर और इसे जलजीरा से कोट कर लेंगे। इससे पीने में टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और ये सुंदर भी बहुत लगेंगे। जब आपके गेस्ट ये ड्रिंक पियेंगे ना, तो उनको पीने में भी बहुत मजा आएगा और प्रेजेंटेशन भी बहुत ही जबरदस्त लगेगा। तो सबसे पहले हमें ग्लास में डालना है क्रश की हुई आइस। आप अगर आइस को क्रश करके डालेंगे तो और ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब खूब सारी आइस में बना हुआ ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक आपको पीने में बहुत ही मजा आएगा। काफी सारी आइस डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून कॉन्सेंट्रेट के, और अब इसके ऊपर डालेंगे एकदम ठंडा ठंडा चिल्ड पानी। सारे ग्लासेस में एक क्विक स्टर दे देंगे। आप चाहें तो उसमें सोडा भी ऐड कर सकते हैं, सोडा ऐड करने से आपका लेमन मोजीतो बन जाएगा, वो भी बहुत अच्छा लगता है। अब इस ड्रिंक को मैं सजाऊंगी कुछ लेमन वेजेस से, ये एकदम ऑप्शनल है, और आप चाहें तो क्रश करके इसमें मिंट लीव्स भी डाल सकते हैं। तो लीजिए, हमारा एकदम रिफ्रेशिंग हेल्दी ड्रिंक है तैयार। तो आप इस ड्रिंक को जरूर ट्राई कीजिए, इससे आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे और आप पूरी समर बहुत ही रिफ्रेश फील करेंगे। इस कॉन्सेंट्रेट को आपको हमेशा फ्रिज में ही रखना होगा और फिर आप इसे पूरी समर एंजॉय कर सकते हैं, मतलब ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और इसमें आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग चिया सीड्स डाल सकते हैं, सब्जा सीड्स डालकर इसे और डिलीशियस और हेल्दी बना सकते हैं। तो आज ही इस ड्रिंक को बनाकर रख दीजिए ताकि आप पूरी समर इसको एंजॉय कर पाए। तो इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी सारी नई रेसिपीज और DIYs आप तक पहुंचते रहे। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें।